युवा समाज सेवी और सपा अधिवक्ता सभा के महानगर उपाध्यक्ष असलम हुसैन एडवोकेट ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन का पूरी ईमानदारी से पालन करें और बगैर किसी खास ज़रूरत के हरगिज़ घर से बाहर न जाएं। असलम हुसैन एडवोकेट 6 अप्रैल की शाम को पंडित नगला मुरादाबाद स्थित अपने कैंप ऑफिस में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर असलम हुसैन के वालिद साहब, वरिष्ठ समाज सेवी एवं पुलिस मित्र डॉक्टर अख्तर हुसैन भी मौजूद रहे। असलम हुसैन एडवोकेट ने इस मौके पर यह अपील भी की कि इस बार चूंकि शबे बारात 9 अप्रैल को लॉकडाउन के बीच में आ रही है, इसलिए शबे बारात पर लोग अपने अपने घरों में ही इबादत व दुआ का एहतमाम करें और घरों से बाहर ना निकलें। असलम हुसैन एडवोकेट ने कहा, देखिए ये लॉकडाउन जो सरकार ने लागू किया है, ये हम सभी लोगों के फायदे के लिए है, ये सिर्फ सरकार के फायदे के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये एक दूसरे से जो है प्रभावित जो होता है वो एक से दूसरे को जाता है जी। और ऐसी स्थिति में भीड़ भाड़ से बचें, एक दूसरे के संपर्क में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, यही हमारे फायदे की बात है। और जो लोग बेजरूरत सड़कों पर निकलते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? बेजरूरत लोग सड़कों पर ना निकलें, बहुत ज़्यादा ही कोई ज़रूरी काम है तो उसके लिए आप जाएं, और उससे भी ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है तो प्रशासन से उसकी परमिशन लें, बकायदा अपनी मजबूरी को बताएं और परमिशन दिखाकर जाएं, उसके लिए कोई रोक नहीं है, कोई प्रशासन नहीं रोक। 9 अप्रैल को शबे बारात है, गुज़िश्ता वर्षों में गत वर्षों में ये होता था कि शब बारात पे जलसे होते थे, लोग कब्रस्तान पे, दरगाहों पे, मस्जिदों में जाते थे, लेकिन अब आजकल तो सब कुछ बंद है, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं लोगों से इस मौके पर यही अपील करूँगा कि इबादत अपने अपने घरों में करें, क्योंकि हमारे साथ मजबूरी है और मजबूरी में गुंजाइश है कि हम लोग घर पर रहकर इबादत कर सकते हैं, इबादत गुज़िश्ता सालों की तरह ही करें लेकिन घर पर रहकर करें, नवाफिल पढ़ें, नमाज पढ़ें, जो भी कर रहे हैं उस और लॉकडाउन का एहतराम करें।